भौतिकी को उल्टा करने से पहले एक युवा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सुरागों की इस सूची को शामिल करते हुए एक जटिल पहेली तैयार करके कथित तौर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। क्या आप अब के सबसे बुद्धिमान में से किसी की लिखी ब्रेन टीजर सुलझाने से रोक सकते हैं? आइए इसे एक मौका दें। शहर के एक्वेरियम से दुनिया की सबसे दुर्लभ मछली चोरी हो गई है। पुलिस गंध का पीछा करते हुए 5 समान दिखने वाले घरों वाली सड़क पर पहुंची, लेकिन वो एक साथ सभी घरों की तलाशी नहीं ले सकते, और यदि वे गलत घर चुनते हैं तो चोर को पता चल जाएगा। मामले को सुलझाना शहर के सर्वश्रेष्ठ जासूस यानी आप पर निर्भर है। सीन पर पहुंचने पर पुलिस आपको वही बताती है जो वो जानती है। एक, प्रत्येक घर का मालिक एक अलग राष्ट्रीयता का है, एक अलग पेय पीता है और एक अलग प्रकार का सिगार पीता है। दो, प्रत्येक घर की आंतरिक दीवारों को एक अलग रंग से रंगा गया है। तीन, प्रत्येक घर में एक अलग जानवर है जिनमें से एक मछली है। कुछ घंटों की विशेषज्ञ जांच के बाद आप कुछ सुराग जुटाते हैं। ये बहुत सारी जानकारी जैसा लग सकता है, लेकिन समाधान का एक स्पष्ट लॉजिकल रास्ता है। पहेली को हल करना काफी हद तक सुडोकू की तरह होगा, इसलिए आपको इस तरह अपनी जानकारी को ग्रिड में व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। शुरू करने के लिए आप सुराग 8 और 9 से जानकारी भरें। तुरंत आपको यह भी एहसास होता है कि चूंकि नॉर्वेजियन सड़क के अंत में है, उसके बगल में केवल एक ही घर है, जो क्लू 14 में नीली दीवारों वाला घर होना चाहिए। क्लू 5 कहता है कि हरी दीवारों वाले घर का मालिक कॉफी पीता है। यह बीच का घर हो नहीं सकता, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि इसका मालिक दूध पीता है। इसलिए यह दूसरा घर भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी दीवारें नीली हैं। और चूंकि क्लू 4 कहता है कि हरी दीवार वाला घर सफेद दीवार वाले घर के सीधे बाईं ओर होना चाहिए, यह पहला या पांचवा घर भी नहीं हो सकता। कॉफी पीने वाले के साथ हरी दीवारों वाले घर के लिए एकमात्र स्थान चौथा स्थान बचा है, जिसका अर्थ है कि सफेद दीवारों वाला घर पांचवा है। पहला क्लू आपको एक राष्ट्रीयता और एक रंग है। चूंकि इन दोनों मानों को गायब करने वाला एकमात्र कॉलम केंद्र वाला है, ये ब्रिटेन का लाल दीवारों वाला घर होना चाहिए। अब जबकि एकमात्र अनिर्धारित दीवार का रंग पीला है, इसे पहले घर पर लागू किया जाना चाहिए, जहां क्लू 7 कहता है कि डनहिल धूम्रपान करने वाला रहता है। और क्लू 11 आपको बताता है कि घोड़े का मालिक अगले दरवाजे पर है, जो केवल दूसरा घर हो सकता है। अगला कदम यह पता लगाना है कि पहले घर में नॉर्वेजियन क्या पीता है। ये चाय नहीं हो सकती, क्लू 3 बताता है कि वो डेन है। क्लू 12 से ये रूट बियर नहीं हो सकता, क्योंकि वो आदमी ब्लू मास्टर धूम्रपान करता है। और चूंकि आप पहले ही दूध और कॉफी असाइन कर चुके हैं, इसलिए ये पानी होना चाहिए। क्लू 15 से आपको पता है कि नॉर्वेजियन का पड़ोसी, जो केवल दूसरे घर में हो सकता है, ब्लेंड्स फूंकता है। अब जबकि ग्रिड में सिगार और पेय के बिना एकमात्र स्थान पांचवें कॉलम में है, तो वो 12वें क्लू वाले व्यक्ति का घर होना चाहिए। और चूंकि इससे केवल दूसरा घर बिना किसी ड्रिंक के रह जाता है, चाय पीने वाला डेन वहीं पर रहता होगा। चौथा घर अब एकमात्र ऐसा घर है जिसमें राष्ट्रीयता और सिगार ब्रांड का अभाव है, इसलिए सुराग 13 से प्रिंस धूम्रपान करने वाले जर्मन को वहां रहना होगा। तो एलिमिनेशन से आप ये तय कर सकते हैं कि ब्रिटिश पॉल मॉल धूम्रपान करता है और स्वीडन 5वें घर में रहता है। जबकि क्लू 6 और क्लू 2 आपको बताते हैं कि इन दोनों के पास क्रमशः एक पक्षी और एक कुत्ता है। क्लू 10 आपको बताता है कि बिल्ली का मालिक ब्लेंड स्मोकिंग डेन के बगल में रहता है, तो वो पहले घर में हुआ। अब ग्रिड पर केवल एक ही स्थान बचा है। आपको पता है कि हरी दीवारों वाले घर में रहने वाला जर्मन ही अपराधी होगा। आप और पुलिस चोर को पकड़ने के लिए घर में घुस गए। हालांकि ये स्पष्टीकरण सीधा था, इस तरह की पहेलियों को सुलझाने में अक्सर गलत शुरुआत और गतिरोध शामिल होते हैं। तरकीब का एक हिस्सा सही हिस्सों को पाने के लिए एलिमिनेशन की प्रक्रिया और बहुत सारे ट्रायल एंड एरर का उपयोग करना है। और आप जितनी अधिक पहेलियां हल करेंगे, आपका अंतर्ज्ञान उतना ही बेहतर होगा कि कब और कहां आपके निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त जानकारी है। और क्या युवा आइंस्टाइन ने सही में इसे लिखा था? शायद नहीं। इसका उनका होना पक्का नहीं है और ऊपर के कुछ ब्रांड हालिया है। लेकिन यहाँ का तर्क कई चर वाले समीकरणों को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तर्क से बहुत अलग नहीं है, यहां तक ब्रह्मांड का वर्णन करने वाले भी। अब जबकि आपके पहेली सुलझाने के कौशल ठीक से तैयार हो गए हैं, तो क्या आप सभी को उत्परिवर्ती ज़ॉम्बियों की सेना से बचा सकते हैं? इस वीडियो से अपनी होशियारी का परीक्षण करें।
या देखें कि क्या आप इस वीडियो द्वारा आइंस्टाइन की एक और पहेली हल कर सकते हैं।